Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I revised active passive voice in tense. In this video, I am going to tell you the active passive voice of modal verbs and imperative sentence. Modal verbs: can, could, may, might, should, would, must, ought to, has to, have to, had to, will have to, used to. ये जब एक्टिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है तो इनके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, और जब पैसिव वॉइस में इन्हें बनाते हैं तो इन सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में बी जोड़ देते हैं और बी जोड़ करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. एग्जाम्पल है, यू कैन डू दिस वर्क. अब यू कैन डू दिस वर्क में दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आया. नियम वही है पहले ही जैसा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो है. केवल क्या है, मॉडल वर्ब्स को उसमें बी जोड़ देना, कैन का कैन भी हो जाए. दिस वर्क कैन बी डन बाय यू. यू कैन डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस हो जाए दिस वर्क कैन बी डन बाय यू. तो इसी तरीके से सभी जितनी मॉडल वर्ब्स मैंने बताई, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ऑट टू, इन सभी के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, और जब इनके साथ बी जोड़ पैसिव वॉइस बनाना होता है तो इनके साथ बी जोड़ देते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. दूसरे प्रकार की मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनमें हैव लगा होता है, जैसे वुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव. इनके साथ में जब एक्टिव बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म आता है, जब पैसिव बनाते हैं तो उनके साथ में बीन जुड़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. जैसे यू शुड हैव डन दिस वर्क, तो इसको बना देंगे दिस वर्क शुड हैव बीन डन. शुड हैव को किस में बदल दिया गया, शुड हैव बीन डन में. तो इस तरह से इसे बना दिया गया, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू. ये कार्य तुम्हें कर लेना चाहिए था, ये कार्य तुम्हारे द्वारा कर लिया जाना चाहिए था. तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब्स का उसमें एक में बी जोड़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ऊपर जो बताएँ, और यहाँ पर वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव अगर दिया है तो उसमें बीन लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब इसमें कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं. यू शुड डू योर वर्क इन टाइम, योर वर्क शुड बी डन इन टाइम बाय यू, बाय यू इन टाइम. एक्टिव में चिल्ड्रन विल हैव टू ओबे पेरेंट्स, द पेरेंट्स विल हैव टू बी ओबेड. विल हैव टू को विल हैव टू बी में कर दिया गया है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें मॉडल वर्ब्स स्टार्टिंग लगा करके बना देते हैं. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, कैन वी सेंड दिस मैसेज, क्या हम इस मैसेज को भेज सकते हैं. तो उसी तरीके से कैन स्टार्टिंग लगा देते हैं, कैन दिस मैसेज वी सेंड बाई यस. यू मस्ट नॉट यूज दिस मशीन आफ्टर 5:30 PM. दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज. मीन्स इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये सभी जैसे आपने टेंस बनाए थे उसे वही नियम यहाँ पर भी होता है. अगर निगेटिव होता है तो मॉडल्स के साथ में नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव होता है मॉडल वर्स सेंटेंस की स्टार्टिंग से बना देते हैं. नाउ इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में जो वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होने पर, जैसे पोस्ट दिस लेटर है, तो इसको लेट प्लस चेंज द ऑब्जेक्ट और प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्ट दिस लेटर. और इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का भाव है. इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का भाव होता है. डू नॉट इंसल्ट द वीक,
गरीबों का अपमान मत करिए, इसमें एडवाइस का भाव है। तो या तो ये करते हैं कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, या यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट दी। जब वीक, जब फॉरबिडन लगाते हैं तो नॉट नहीं लगाते हैं, एडवाइज लगाते हैं, नॉट टू लगा देते हैं। तो इस तरह से, और लेट से जब बनाते हैं, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। तो इसके कई ऑप्शंस हैं, चाहे लेट से बनाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, या यू आर एडवाइज नॉट टू लगाकर जोड़ दीजिए, या यू आर फॉरबिडन टू से वही बाकी जो लिखा उसको जोड़ देते हैं। प्लीज़ काइंडली वाला बहुत आसान है। प्लीज़ काइंडली वाले सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं और शेष वाक्य वैसे ही रख देते हैं। जैसे प्लीज़ का प्लीज़ या काइंडली हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बहुत आसान। गो देयर डोंट डिस्टर्ब मी, तो जहाँ जैसा भाव होता है, गो देयर जैसे ऑर्डर का भाव है, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। और डोंट डिस्टर्ब मी एंड नॉट टू डिस्टर्ब मी, या केवल डोंट डिस्टर्ब मी लिखा होता तो यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी। आई होप यू विल फॉलो दीज रूल्स एंड प्रैक्टिस विद मी, विद द हेल्प ऑफ वीडियो यू विल एक्वायर कॉन्फिडेंस एंड गुड नॉलेज डे बाई डे। वी विल मीट विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। Have a nice day.